हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपना नाइट के रूटीन दिखाने जा रही हूँ। अगर आप भी सोच रहे हो कि कोई भी नाइट के रूटीन कैसे स्टार्ट करें, तो आप ये वीडियो देख के आप मेरे स्टेप को फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू यूज़ क्लींजर। दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइफ, एज यू कैन सी क्लींजर काफ़ी क्रीमी है, आप देख सकते हो, इट्स वेरी क्रीमी। तो इसे मैं चेहरे को क्लींज करके फिर अपने फेस वॉश करने जा रही हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी डर्ट निकल गए हैं। तो मैंने अपने चेहरे को अच्छे से धो लिया है। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ राइस वाटर टोनर। अगर आपके पास राइस वाटर टोनर नहीं है, तो आप कोई भी रोज़ वाटर टोनर या कोई भी टोनर आप यूज़ कर सकते हो। एंड आप अगर आपको चाहते हो कि कैसे बनाए राइस वाटर टोनर, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड राइस वाटर टोनर अप्लाई करने के बाद आप इसको सूखने देना। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे फेस में राइस वाटर टोनर अब्सॉर्ब हो चुका है। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ फेस मास्क फ्रॉम मिनीसो। सो जस्ट स्टेयर इट। तो ये फेस मास्क में इन्होंने क्लेम किया है कि ये फेस मास्क लगाने के बाद आपकी स्किन में मॉइस्चर और ग्लो लाएगा। सो लेट्स सी। तो ये सीरम कुछ ऐसे दिखता है। ओके तो आपको ये पोर्शन को फेंकना है एंड दिस पार्ट यू हैव टू अप्लाई। एंड आपको 15 मिनट्स रखना है इसको। ये लगाने के बाद आपको अपने चेहरे को बिल्कुल धोना नहीं है। तो 15 मिनट्स में जस्ट रिलैक्स करने वाली हूँ और आपको आगे दिखाने वाली हूँ कैसे दिखता है आफ्टर 15 मिनट्स। फिफ्टीन मिनट फेस मास्क रखने के बाद चेहरे पर कुछ हद तक ग्लो आ रखा है। एंड हमेशा फेस मास्क लगाने के बाद चेहरे को कभी धोना नहीं है। आप ये फेस मास्क के ऊपर मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप नेक्स्ट स्टेप होगा, फेस मास्क के बाद कोई भी अपना मनपसंद क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं दी मॉम्स को फेस क्रीम अप्लाई करने जा रही हूँ। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, आपकी कोई भी कोल्ड क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। So this is my favorite cream, so I'm applying this one. I'm applying face cream. तो ये रहा मेरा नाइट केयर रूटीन। अगर आपको पसंद आई ये स्टेप्स, तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई लिप बाम, क्योंकि हमारे अपने लिप्स को भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा फेवरेट BH लिप बाम। अगर आप चाहे तो आप कोई भी वैसलिन भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि वीडियो को आगे शेयर करें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।